अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे सी का प्रोग्राम। अब सी में ट्रैपेज़ॉइडल का प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़ करना है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड डॉट एच। अब इस हैश का क्या मतलब होता है? हैश क्या है? हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टर है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टर है जो सभी फाइल्स को स्टोर करके रखता है। और उसके बाद इसी हैश में ही हमारी जो फाइल इंक्लूड है वो पहली क्या है? स्टैंडर्ड डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को क्यों यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब भी हमें प्रिंट कराना है और रीड कराना है, अगर हमें यूज़र से रीड कराना है, कुछ टर्म्स लेनी है, कुछ इनपुट कराना है, तो हम यूज़ करेंगे स्कैनफ फंक्शन। अगर हमें उन्हें कोई मैसेज डिस्प्ले करना है या रिज़ल्ट डिस्प्ले करना है तो हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सेकेंड लाइन होती है वो हमारी लाइन क्या होती है यहाँ पर? कॉन्यो डॉट एच। कॉन्यो, कॉन्यो का मतलब यहाँ पे क्या? कॉन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब ये कॉन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें एक तो हमें हमारी जो आउटपुट है, पिछला आउटपुट जो आ रहा है वो नेक्स्ट जब भी हम प्रोग्राम को रन करें उसमें वो आउटपुट डिस्प्ले ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। और एक हम यूज़ करते हैं इसमें GetCH। GetCH का क्या मतलब होता है? कि आपकी जब स्क्रीन का आउटपुट आ जाता है तो आप देखते हो कि आउटपुट आता है, एंटर ही प्रेस करते हो। अब हमने इसमें एंटर ही प्रेस किया है तो वो क्या हाँ आ जाता है आपकी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे जहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा है। तो उसके बाद हम यूज़ कर क्या करते हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या यूज़ किया? वैसे तो ये दो ही लाइंस होती हैं मेन, लेकिन जब हम मैथ का कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट एच। अब मैथ के फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? जैसे मुझे साइन एक्स रन करना है, कोज एक्स करना है, मुझे पावर करनी है सॉल्व, पाओ एक्स की पावर 4, एक्स की रेज टू पावर 4 इसका मतलब होता है। तो ऐसे कभी भी मुझे मैथ का फंक्शन यूज़ करना है तो मैथ डॉट एच यूज़ करूँगी। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा है कि हमें सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन के लिए एफ फ्लोट। और अब देखो ये जो फ्लोट क्या है, ये फ्लोट जो कर रहे हैं कि इसमें हम कौन से आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे मुझे एफ है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, अब इसमें एक्स पास किया है, जो एक्स है वो कोई वैल्यू देगा। जैसे लाइक हमने एफ ऑफ 2 निकालना है, 3 निकालना है, तो हम कोई वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं एफ फ्लोट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और अब फ्लोट किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फ्लोट का क्या मतलब होता है यहाँ पर? कि जो इस जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है अगर। और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वो भी फ्लोट होगा, कि मतलब जो भी मेरे फंक्शन को सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो भी पॉइंट्स में आएगी। अगर हम पॉइंट्स में नहीं चाहते तो हम इसका डेटा टाइप क्या लेंगे? इंटीजर, इंट, डेटा टाइप इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन विदाउट पॉइंट होता है। और सबसे पहले जो आपका सी का प्रोग्राम होता है उसमें एक मेन फंक्शन तो हमारा होता ही होता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन का मतलब क्या है? ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है, यूज़र डिफाइन फंक्शन। अब यूज़र डिफाइन फंक्शन है कि ये हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है ये फंक्शन, मतलब हम इसे इनपुट दे रहे हैं और ये हमें आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने जो 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 हम प्रोग्राम में वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो सी का फंक्शन है, सी में जो प्रोग्राम हम लिखते हैं सबसे पहले होता है हमारा मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ कुछ आपके जो वेरिएबल है उनको हमने डिक्लेयर करना है। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर, हमें क्या क्या चाहिए? एक्स नोट मतलब इनिशियल वैल्यू, एक्स एन मतलब फाइनल वैल्यू, एच मतलब साइज, और वाई मतलब जिसमें आउटपुट स्टोर हो रहा है। और हमें जो इंट चाहिए,
एक तो आई मतलब इंक्रीमेंट जो हम कर रहे थे वैल्यू का, आई इक्वल्स टू 1, 2, 3, अब ये वैल्यू पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती, इसीलिए हमने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया। और एन एन मतलब मैक्सिमम आप कितनी वैल्यूज में स्टोर कर रहे हो। उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट किया आपका मेन फंक्शन मतलब प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट क्या करेगा, सबसे पहले तो वो यूज़र से वैल्यू मांगेगा। यूज़र से क्या वैल्यू मांगेगा, क्या लिखेंगे हम, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स नोट एक्स एन एंड नंबर ऑफ सब इंटरवल। अब देखो, अब जब भी हमने कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो उसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। ये डबल कोट्स है, ये डबल कोट यूज़ किया हुआ है, ये डबल कोट्स में हम लिखेंगे। उसके बाद अब यूज़र्स हमें वैल्यू देगा, यूज़र्स वैल्यू देगा। तो अब यूज़र्स जो देगा वैल्यू वो कैसे करेंगे, उसकी रीडिंग को मतलब वैल्यू को रीड कर रहे हैं, और वैल्यू को रीड करने के लिए यूज़र से वैल्यू जो हम रीड कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया। स्कैनफ फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने डबल कोट्स में क्या लिखा है, %f%f%d और एक्स नोट एक्स एन और एन, मतलब जो हमने यूज़र से वैल्यू मांगी है। ऊपर वाला तो हमें सिर्फ प्रिंट एफ का मतलब वो हमें मैसेज दे रहा है, और स्कैन एफ का मतलब वो यूज़र से वैल्यू लेके कंप्यूटर को फीड करा रहा है। अब हमने एक्स नोट को क्या वैल्यू दी थी, मतलब एक्स नोट को हमने क्या लिखा था कि वो फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, %f%f। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, एक्स एन की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे, %f। और एन मतलब इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं डी, फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं एफ। उसके बाद हमने क्या निकाला यहाँ पर, एच। एच कैसे निकालेंगे, एच का फॉर्मूला क्या है, एक्स एन माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई एन। उसके बाद हमने क्या किया था कि वाई इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट वैल्यू स्टोर की थी, तो एफ ओफ एक्स नोट प्लस एफ ओफ एक्स एन। फिर उसके बाद हमने फोर लूप चलाई। फोर लूप का ये सिंटेक्स होता है, आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर आई लेस देन एन चलाया है कि हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 to लेकर एन माइनस 1 तक। और अब नेक्स्ट हमने क्या किया था कि वो वाई में वैल्यू स्टोर कर दी थी, वाई में वैल्यू, वाई इक्वल्स टू मतलब जो प्रीवियस वैल्यू हमने यू दो दो वैल्यू को ऐड किया हुआ था उसमें हमने ट्वाइस ऑफ इंटरमीडिएटर टर्म्स को ऐड कर दिया, एफ ओफ एक्स नोट प्लस आई मल्टीप्लाई एच। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो वैल्यू हमारी आ रही है उसको हमने क्या करना है, h/2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो भी हमारी इंटीग्रल की वैल्यू होगी, अब हमें क्या करना है, मैसेज प्रिंट कराना है, साथ में आउटपुट जो भी रिजल्ट आ रहा है वो भी प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्रिंट एफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज परसेंटेज एफ, एफ मतलब फ्लोट वैल्यू, और वाई जिसमें रिजल्ट स्टोर हो रहा है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या यूज़ किया, गेट सी एच, कि जब भी हमारी स्क्रीन का आउटपुट आए, जब भी हमारी आउटपुट स्क्रीन आ जाए तो हम हमें एंटर प्रेस करने की ज़रूरत होती है, तो हम अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शन को, और नीचे हम क्या करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन देंगे कि फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है। अब फंक्शन क्या कर रहा है, फ्लोट एफ ऑफ फ्लोट एक्स, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 1 by 1 + x मल्टीप्लाई एक्स, मतलब स्टार डाला हुआ है मल्टीप्लाई के लिए। तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 by 1 + x2, ठीक है, जो इसका रिजल्ट होगा वो फ्लोट में होगा, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिटर्न, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो फ्लोट में रिटर्न होगा। और जहाँ फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, फंक्शन की कॉलिंग हमारी कहाँ हो रही थी, यहाँ पर जैसे एफ ऑफ एक्स एन लिया, एफ ऑफ एक्स नोट लिया, ये सारी फंक्शन की कॉलिंग कर रहा है। उसके बाद जब आप आउटपुट देखोगे इसके स्क्रीन पर, आउटपुट कैसा आ रहा है, तो आउटपुट हमें कैसा शो होगा, देखो एंटर द वैल्यू ऑफ, वो हमसे मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स नोट एक्स एन नंबर ऑफ सब इंटरवल, और हमने जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है यहाँ पर, एक्स नोट की वैल्यू 0 और मैक्सिमम 0, एक्स एन की वैल्यू हमारी है 6 और जो एन की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 6, मतलब हमने 0 से लेकर 6 तक जाना है, और हमारा इंक्रीमेंट हमारा एन क्या है, 6। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या शो हो जाएगा,
वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर 1.41079, मतलब फ्लॉट की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ओके, थैंक यू।